Tchau, चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट कैसे हम अच्छे लोग सारे चैप्टर टेन फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट वन में हमने मनी मार्केट प्लस उसके इंस्ट्रूमेंट पूरे देख लिए थे आज के वीडियो में हम कैपिटल मार्केट के दोनों पार्ट्स आज ही के वीडियो में करने वाले हैं जहां पर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लस ट्रेडिंग प्रोसीजर भी देखने वाले हैं अगर आपको इनकेस ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में तो आज आपको सिंपल भाषा में समझ में आ जाएगा कि ट्रेड कैसे करा जाता है चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, की से. क्या होता है? एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए हम जाते हैं या जब भी हमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब हम कैपिटल मार्केट को चूज कर सकते हैं ऑर्डर टू रेज फंड्स हो रहा है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए क्या था मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे या मनी मार्केट था मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है देन वी हैव टू गो फॉर कैपिटल मार्केट राइट इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सारी वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंडस हमें यह ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराते हैं यहां तक क्लियर हो रहा है चलिए फीचर्स देखते हैं कैपिटल मार्केट के क्या हैं कैपिटल मार्केट का पहला फीचर है लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वही नॉर्मल सा फंडा है हमारा कि जो सेवर्स होते हैं मतलब जो हाउस होल्ड होते हैं जो सेव करते हैं वो अपने पैसे कहीं सेव करते हैं और वो जो इंस्टीट्यूशंस होता है वो पैसे उनसे लेता है और जो इंडस्ट्रीज होती है बिजनेस होते हैं उनको वो पैसा देता है तो सेवर से लेना और इंडस्ट्रीज को उनको कैरी ऑन कर देना फॉरवर्ड कर देना प्लस उनको अलग अलग इंटरेस्ट लेवल पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे डील करता है ऑब्वियस बात है यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज मतलब क्या होते हैं वो पर्सन होते हैं वो हेल्पर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं सिक्योरिटीज को रेस करने में ब्रोकर्स हो गया स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर की हेल्प से करते हैं अंडर राइटर्स वगैरह इक्विटी या डिबेंचर्स वगैरह शेयर्स वगैरह को इश्यू करने में कंपनी की मदद करते हैं फर्स्ट हैंड में स्पेशली अंडर राइटर्स या प्राइमरी मार्केट में अंडर राइटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्म होता है या किसी भी कंट्री में जितना भी कैपिटल होता है वो कहीं ना कहीं उसमें स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा हाथ रहता है क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा लेना प्रेफर करती है इन कंपेरिजन टू द शॉर्ट टर्म लोन्स गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलशंस के अंदर आते हैं क्योंकि यहां पर लार्ज फंड इन्वॉल्व होता है तो गवर्नमेंट मेक श्योर करता है कि जो भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उनको उनका सही आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल पाए यस चलिए टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट जो हमने कल भी डिस्कस करा था प्राइमरी मार्केट इसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या होता है प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू इश्यू मार्केट क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां पर पहली पहली बार शुरुआत ही यहां पर सिक्योरिटीज इशू होती है पहली बार जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है तो हम उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं द कॉमन सिक्योरिटीज इशूड इन प्राइमरी मार्केट प्राइमरी मार्केट में कॉमन जो सिक्योरिटी इशू होती है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं डिबेंचर्स होते हैं बॉन्ड्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज होती है बुरा बच्चों क्लियर जब भी कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटी रेज करती है चाहे वो इक्विटी हो डिचर हो बॉन्ड हो प्रेफरेंस हो हम उसको कैपिटल मार्केट का या फिर उसको प्राइमरी मार्केट का नाम देते हैं यस और नो चलिए मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट देख लेते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन मतलब इशू करने का अगर आपको प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू करना है रेस करने हैं फंड्स तो कौन-कौन से तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस देखिए इसमें क्या होता है अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रॉस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक इस मेथड में कंपनी प्रॉस्पेक्ट्स इशू करती है ताकि जनरल पब्लिक को उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके इन प्रॉस्पेक्टर्स कंपनी प्रोवाइड डिटेल अबाउट द पर्पस फॉर विच फंड्स आर बीइंग रेज उस प्रोटे में कंपनी मेंशन करती है कि उनको पैसा क्यों चाहिए पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनकी पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी और उनका बैकग्राउंड कैसा था और फ्यूचर में उनका प्रॉस्पेक्ट क्या रहने वाला है सिंपल सी बात यह है जब आप जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं मतलब शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं तो जनरल पब्लिक को भी आपकी कंपनी में विश्वास होना चाहिए तभी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीजें लिखी रहती है जिससे जनरल पब्लिक रीड करके आपकी कंपनी में ट्रस्ट करके आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर सके यस और नो राइट तो प्रोस्पेक्टस जनरल इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी की कंपनी पैसा क्यों चाहती है कब चाहती है कब पे करेगी वापस और कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है परफॉर्मेंस कैसी है फॉर द पास्ट फाइव टू टेन ईयर्स यस और नो चलिए सेकेंड मैथड की बात करें ऑफर फॉर सेल अंडर दिस मैथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर टू जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक को इशू होती है या फिर प्रोवाइड uh, कराई जाती है बट नॉट डायरेक्टली बट बाय द बट बाय एन इंटरमीडियरी बाइज होल लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द कंपनी यहाँ पर देखिए क्या है जनरल पब्लिक को तो ऑफर हो रही है लेकिन कंपनी जो है डायरेक्टली नहीं जाती है जनरल पब्लिक के पास कंपनी एक पर्सन को अपॉइंट करती है इंटरमीडिएट मे बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है वो वो क्या करती है कंपनी से सिक्योरिटीज ले लेती है बहुत सारी और वो खुद जनरल पब्लिक को देती है पूरा बच्चों क्लियर यहां पर देखिए आप ये मेथड यूज़ में क्यों लेते हैं यूज में इसलिए ले लेते हैं कि हो सकता है आपकी नई नई कंपनी हो मार्केट में आपका नाम नहीं हो रेपुटेशन नहीं हो प्रोस्पेक्ट इशू कर रहे हैं तब भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो आप किसी थर्ड पार्टी की मदद लेते हैं क्योंकि उस थर्ड पार्टी का मार्केट में नाम है वो आराम से पैसा रेज कर लेगी राइट तो आप क्या करते हैं आप उन इंटरमीडियज इंस्टीट्यूशन या पर्सन के पास जाते हैं उनसे बोलते हैं हमें इतना पैसा रेज करना है वो एग्री हो जाते हैं सर्टेन फी वो चार्ज करते हैं उस फीस में ये करते हैं आपसे वो सिक्योरिटीज लेते हैं और वो सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को देते हैं जनरल पब्लिक उनको इंटरमीडियट को पैसा देता है वो पैसा वो आपको रिटर्न कर देते हैं मतलब बीच में एक मीडिएटर uh, आ जाता है जो कि आपकी सिक्योरिटीज को इशू करने में मदद करता है हम उसको इंटरमीडियरी बोलते हैं सिंपल चलिए थर्ड भी हमारा कुछ मिलता जुलता ही है प्राइवेट प्लेसमेंट इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस

जो इंटरमीडियरी है वो जनरल पब्लिक से पैसे ले रहा है सिक्योरिटीज़ ले रहा है सॉरी सिक्योरिटीज़ क्या कर रहा है जनरल पब्लिक कंपनी से ले रहा है इंटरमीडियरी और वो जो इंटरमीडियरी है जनरल पब्लिक को नहीं दे रहा है सिक्योरिटी बड़े बड़े जो उसके क्लाइंट है बड़े बड़े सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं उनको वो सिक्योरिटी दे रहा है हाई प्राइस पे क्लियर हो रहा है ऑफर फॉर सेल में क्या था इंटरमीडियरीज कंपनी से सिक्योरिटीज तो लेता था लेकिन उसको जनरल पब्लिक को इशू करता था यहाँ पर जनरल पब्लिक को इशू नहीं हो रही है यहाँ पर जो सेलेक्टेड क्लाइंट है इंटरमीडियरी के उनको ये चीज इशू हो रही है हायर प्राइजेस पे राइट right? तो इसकी वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आपका इंटरमीडियस से अच्छे रिलेशनशिप है या आप चाहते हैं इंटरमीडियरीज के थ्रू आप अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं इशू करना चाहें इंटरमीडियरीज भी आपसे फ़ीस लेते हैं सर्टेन ब्रोक चार्जेज या कमीशन बोल सकते हैं वो लेते हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए राइट right? या फिर जिस रेट में आपने लिया उनसे और वो रेट हाई करके सेलेक्टेड क्लाइंट्स को देते हैं तो बीच में अपना कमीशन वो चार्ज कर लेते हैं इसी प्राइजेस के दौरान ही राइट तो डिपेंड करता है ऑफर फॉर सेल भी कर सकते हैं जहां पर आप जनरल पब्लिक को इंटरमीडियरी जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करती है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट में सेलेक्टेड क्लाइंट को इंटरमीडियरी ये एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है ये एक पर्सन हो सकता है जो कि बड़े बड़े सेलेक्टेड क्लाइंट्स को अपने सिक्योरिटीज को सेल करता है यस चलिए राइट इशू की बात करें दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जहां पर जो न्यू शेयर होते हैं जनरल पब्लिक को इशू करने से पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं है. right मतलब राइट है ऑफ शेयर होल्डर्स दैट द कंपनी मस्ट ऑफर दैम द न्यू इशू बिफोर सब्सक्राइबिंग टू आउटसाइडर सिंपल सा वही फंड आया कि आउटसाइडर को सिक्योरिटीज या न्यू शेयर इशू करने से पहले कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अपने जो सिक्योरिटीज़ uh, है इशू कर देती है हम उसको राइट right इशू बोलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है ई आई पी ओस इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर देखिए इसमें क्या है इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन दिस कंपनी हैज़ टू अपॉइंट अ रजिस्टर्ड ब्रोकर कंपनी अब ऑनलाइन भी अपने सिक्योरिटीज वगैरह ऑफर कर सकती है पब्लिक को उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ता है अपना और एक स्टॉक ब्रोकर उनको अपॉइंट करना पड़ता है खुद की कंपनी के लिए जहां से लोग उसको फोन करते हैं मतलब जो भी जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड होगी कंपनी के शेयर परचेज करने में तो उस ब्रोकर को कॉल करेंगे ब्रोकर उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपनी को रिप्रेजेंट जैसे ही ब्रोकर करता है तो जनरल पब्लिक की कॉल रिसीव करता है जनरल पब्लिक उनको बोलती है कि हमें इतने शेयर्स चाहिए उनको शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्लस उनके ऑर्डर भी प्लेस करता है वो ब्रोकर बच्चों इन दिस कंपनी रजिस्टर्ड ब्रोकर अपॉइंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन मतलब जनरल पब्लिक से जो एप्लीकेशन वगैरह होती है वो एक्सेप्ट करता है ईमेल के थ्रू टेलीफोन कॉल के थ्रू या फिर आ, इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन या आकर भी जनरल पब्लिक उस कंपनी में ब्रोकर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है बात कर सकती है और अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकती है पूरा बच्चों क्लियर तो हमारे ये सारी चीजें ऑनलाइन होती है बेसिकली यहां पर अवॉइड करा जाता है फेस टू फेस इंटरेक्शन वगैरह जितनी भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फिर ईमेल कन्वर्सेशन के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करे जाते हैं और वहीं से ब्रोकर का, का काम भी हमारा आ, सामने आता है राइट चलिए बी है हमारा कैपिटल मार्केट में हमने प्राइमरी मार्केट पढ़ लिया है जिसको न्यूशू मार्केट बोला जाता था सेकेंडरी मार्केट देखने वाले सेकेंडरी मार्केट हमारा आ, नाम से पता लग रहा है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज राइट मतलब जो सिक्योरिटी पहले इशू हो चुकी है जब उन सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है उसको हम सेकेंडरी मार्केट या फिर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं यहाँ क्लियर हो रहा है फंक्शंस की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज भी इसी को सेकेंडरी मार्केट को बोला जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन बोल लीजिए या फिर सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन बोल लीजिए बात एक ही है राइट चलिए पहला है इकोनॉमिक बैरोमीटर बैरोमीटर क्या होता है कोई ऐसा टूल कोई ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक कितनी प्रोग्रेस कर रही है वो मेजर कर सकें राइट एवरी मेजर चेंजेस इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेज ऑफ शेयर नॉर्मल सी बात है जो भी मेजर चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में किसी भी कंट्री में वो शेयर की प्राइजेज से भी हम पता कर सकते हैं द राइज़ और फॉल इन द शेयर प्राइजेस इंडिकेट द बूम और रेसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी नॉर्मल सी बात है बड़ी बड़ी जो रेप्यूटेडेड कंपनी अगर उनके शेयर बहुत ही ज़्यादा कम जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि भाई टाइम आने वाला है रेसेशन का बहुत तंगी आने वाली है मार्केट में कैपिटल जो इनफ्लो है वो बहुत कम होने वाला है और अगर जो अच्छी अच्छी कंपनी है उनके शेयर्स वगैरह बूम में जा रहे हैं राइट आ, बहुत अच्छी शेयर प्राइसेस हो रही है उनकी तो बूम वाली सिचुएशन अराइज होती है यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके मार्केट में राइट तो यहाँ पर जितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हैं जो मार्केट में पूरा आपका मनी को फ्लो करवाती हैं अगर उनके प्राइजेस बढ़ रही हैं तो अच्छी सिचुएशन है अगर उनके प्राइजेस घट रहे हैं तो अच्छी अच्छी कंपनी के अगर प्राइजेस घट रहे हैं तो वहाँ पर वो नेगेटिव सिचुएशन शो करती है इकोनॉमी में राइट चलिए नेक्स्ट है प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ अब यहाँ से हम प्राइजेज़ वगैरह भी डिफाइन करते हैं या मार्केट में हमें पता लगता है कि सिक्योरिटीज़ की प्राइजेस क्या होने वाली है द सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर नॉर्मल सी बात है जो सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स वगैरह जो भी होते हैं अच्छी कंपनीज के वो हायर वैल्यू में चार्ज होते हैं स्टॉक मार्केट में या उनकी जो वैल्यू होती, हो, होती है वो बहुत हाई होती है तो नॉर्मल सी बात है दर इज अ मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज उन कंपनी की ज्यादा डिमांड होगी उनके सिक्योरिटीज की ज्यादा डिमांड होगी द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स ये हर पर्सन के लिए यूजफुल है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी ये देखना कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है मार्केट में नहीं कर रही क्योंकि तो गवर्नमेंट वगैरह भी उनकी हेल्प करना सिक्योरिटीज या लाइसेंस इशू करने में भी उनकी रेपुटेशन देखती है कि स्टॉक मार्केट में उनकी रेपुटेशन क्या है अगर अच्छी रेपुटेशन है तो इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट का और क्रेडिटर्स का कॉन्फिडेंस जो है उस कंपनी में ज्यादा बढ़ जाता है राइट चलिए सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन एं स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो स्टॉक मार्केट है लिस्टेड सिक्योरिटीज ही ट्रेड होती है मतलब वो कंपनी जिनकी रेपुटेशन अच्छी है जो रजिस्टर्ड कंपनी है वही जाके अपनी जो सिक्योरिटीज हैं वो लिस्ट कर सकती है सेल परचेज के लिए वहां पर अवेलेबल करवा सकती है इंक्लूड द कंपनी नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी अब ये स्टॉक मार्केट के लिए बता रखा है कि वहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत सेफ्टी होते हैं सेफली होते हैं क्योंकि वहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड और साउंडनेस ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी की रेपुटेशन देख कर ही उन कंपनी को रजिस्टर्ड करा जाता है और सारी रजिस्टर्ड कंपनी अच्छी होती है उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस उनकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है इसलिए ट्रांजेक्शन में यहाँ पर सेफ्टी है राइट right? चलिए कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है स्टॉक मार्केट कैसे देखते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनियां ब्रॉड एंड सॉल्ड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मल सी बात है कंपनी को पैसा अगर चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट से वो अरेंज करा रहे हैं अगर उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ रही है तो ज़्यादा लोग उनमें अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके शेयर्स ज्यादा परचेस करेंगे ज़्यादा शेयर परचेस करेंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी वैल्यू बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन के रूप में भी ज़्यादा देंगे प्लस अपने वर्कर्स को भी सैलरी के रूप में ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं कैपिटल जो फॉर्म होता है इकनॉमी में ज़्यादा होता है एज अ कस्टमर बात करें ऐस ए इन्वेस्टर बात करें अगर आप ऐसी कंपनी के शेयर लेते हैं जिसका मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आप अगर आपने आज सौ रुपए लगाया है तो एक साल बाद वो हजार, 2000 भी आपके हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं कैपिटल जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है स्टॉक मार्केट की हेल्प से राइट स्प्रेडिंग ऑफ इक्विलिटी इक्विटी कल्ट मतलब यहां पर है इक्विटी जो शेयर्स होते हैं उनकी नॉलेज को स्प्रेड करती है या राइट फ्रेमवर्क डालती है लोगों के माइंड में कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है यहाँ पर सब चीज़ें लीगल हैं क्योंकि बहुत से लोग इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि भाई बहुत स्पेकुलेशन है बहुत उतार चढ़ाव है आप एक ही रात में करोड़ों पति दूसरे रात में आप रोड पे आ सकते हैं तो ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है आ, ये इसको दूर करने के लिए यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ज़रूरी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज टाइम टू टाइम चलता रहता है स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करता है न्यू इशू में एनकरेज करता है बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एनकरेज करता है और एजुकेट करता रहता है टाइमली अपने एड कंपेन के थ्रू या अपने जो सक्सेस स्टोरीज है जहां पर लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाया है उनके थ्रू ताकि राइट उनको नॉलेज मिलती रहे इक्विटी कल्ट के बारे में कि भाई इक्विटी में भी पैसा जो इन्वेस्ट करना अच्छा होता है प्रॉफिटेबल होता है लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी राइट आगे बात करें तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन अब स्कोप फॉर स्पेकुलेशन से मतलब है यहाँ पर कि हर जो सिक्योरिटीज़ uh, यहां पर ट्रेड हो रही है हर कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ यहां पर ट्रेड हो रही है हर कंपनी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है अपने सिक्योरिटीज़ वहां पर लिस्ट करने के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट कमाने की यहां पर ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बड़ी कंपनी है तो हमेशा आपके शेयर की वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी यहां पर एज सच कोई इक्वल कॉम्पिटिशन है हर किसी के पास राइट right? और एज अ इन्वेस्टर्स भी आप किसी के भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं प्लस uh, सेल परचेज तो कर ही सकते हैं जगह अगर आपको लगता है कि जो कंपनी आपने शेयर्स ख़रीदे हैं वो अच्छा नहीं कर रही है तो आप उसी समय या फ्यूचर डेट पे उसको सेल करके ऐसी कंपनी के शेयर भी परचेज कर सकते हैं जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं ये हेल्दी कॉम्पिटिशन्स एक दिखाती है मार्केट में राइट टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ़ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ द स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्दी मार्केट या हेल्दी स्पेकुलेशन यहाँ पर शो होता है ताकि Uh, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जितने भी कंपनीज हैं उनको एक फेयर एंड इक्वल जस्टिस मिले कि अगर वो कंपनी के सिक्योरिटी लिस्ट कर रहे हैं तो वो इक्वल चांसेस uh, हो उनके सिक्योरिटी भी सेल होने की प्लस इन्वेस्टर्स को भी इक्वल राइट right हो राइट अमाउंट ऑफ आर अर्न करने का लिक्विडिटी की बात करें लिक्विडिटी मतलब कितनी जल्दी आप अपने पैसों को यहाँ पर मनी के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिव एश्योरेंस टू इन्वेस्टर दट देर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इन कैश वॉट एवर दे वॉन्ट जब भी उनको वेनएवर दे वॉन्ट मतलब जब भी उनको जरूरत पड़ती है अपने सिक्योरिटीज को इन कैश कराने की तो स्टॉक मार्केट उनको वो ऑप्शन देता है कि अपने सिक्योरिटीज को अपने शेयर्स को वो लिक्विडिटी में या फिर इन कैश करा सकते हैं पैसों में कन्वर्ट करा सकते हैं जब भी उनका मन हो या इच्छा हो राइट right? बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल हमें प्रोवाइड कराता है स्टॉक मार्केट जहां पर हम अपने जो सरप्लस फंड होता है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबल चैनल्स मतलब प्रॉफिटेबल कंपनीज में जिनके शेयर्स वगैरह पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं राइट प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक जनरल पब्लिक की सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट को ये बढ़ाते हैं नॉर्मल सी बात है सरप्लस जो भी आपका हाउस होल्ड का कैपिटल है उसको रदर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर आप रियल एस्टेट की बजाय स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे आपको ज्यादा अच्छी अर्निंग मिल सकती है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मिल सकता है प्लस आप जिन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है है बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर्स राइट उनका करोड़ों का टर्न है सालों का तो वो कंपनीज है एक आपको एक आपको सेंस ऑफ गुडनेस भी आपका होता है कि भाई इस कंपनी में हमने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अपने शेयर ले रखे हैं तो एक सेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी आपका एक पार्ट बनता है राइट चलिए तो ये थे स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस अब देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है स्टॉक एक्सचेंज का ये डीप नहीं आता है जब सिर्फ आपको स्टेप जानते हैं इसके और उसके थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मेन प्रोसीजर रहते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर देखिए आजकल जितने भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में ट्रांजेक्शन होते हैं फंक्शन होते हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं राइट तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना अगर आपको नॉलेज नहीं है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की तो आप ब्रोकर की हेल्प ले सकते हैं ब्रोकर आपकी हेल्प करेंगे राइट जगह इन्वेस्ट करने के लिए आपको वेरियस जो कंपनी के शेयर हैं उनकी प्राइजेस बताते हैं प्लस उनके बारे में आपको नॉलेज देते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था अब उनके बेसिस पर ब्रोकर के सजेस्ट uh, करे हुए कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लस ब्रोकर की हेल्प से ही आप ऑर्डर प्लेस करना प्राइजेस uh, वगैरह जानना का सारा काम आप ब्रोकर की हेल्प से कर सकते हैं ब्रोकर एक सर्टेन कमीशन आपसे चार्ज करेगा जिसके बेसिस पर वो आपका ऑर्डर को प्लेस करेगा प्लस आपको अगर शेयर्स uh, वगैरह को इन कैश कराना है लिक्विड कराना है तो उसमें भी आपका uh, जो ब्रोकर है वो बहुत ही ज़्यादा uh, इंपॉर्टेंट होने वाला है राइट right? सेकेंड जो स्टेप है हमारा वो है डीमेट अकाउंट खुलाने का विद डिपोजिटरी डीमेट अकाउंट होता है नॉर्मल सा आपका ऑनलाइन एक अकाउंट खुलाना पड़ता है या तो फिर बैंक के साथ या फिर डिपोजिटरी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि रजिस्टर्ड uh, होते हैं जहां पर सिक्योरिटीज़ वगैरह उनके पास ट्रेडर होती है तो नॉर्मल सी बात क्या है पहला एक ब्रोकर सेलेक्ट करिए प्लस अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलाइए बैंक के साथ या फिर डिपोजिटरी uh, जो पार्टिसिपेंट है जो भी ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में uh, जिनके पास सिक्योरिटीज़ वग़ैरह इक्विटी डिबेंचर्स वगैरह या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी होते हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह उन सिक्योरिटीज़ में जो डील करते हैं उनके साथ आपको एक ऑनलाइन अकाउंट खुलाना पड़ता है नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन लगती है जो भी बैंक अकाउंट खुलाने में लगती है वही सारी इंफॉर्मेशन आपको डीमेट अकाउंट खुलाने में लगती है थर्ड है प्लेसिंग द ऑर्डर जब आपका ब्रोकर सेलेक्ट हो गया ऑनलाइन अकाउंट आपका खुल गया है डिपोजिटरी के साथ थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है ऑर्डर प्लेस करना मतलब किन सिक्योरिटीज़ में आपको एंगेज करना है कौन सी कंपनी के आपको शेयर परचेज करने हैं वो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर यहाँ पर आ गया कि जो ब्रोकर होता है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है मतलब आपको सेल करना है परचेस करना है सिक्योरिटी को राइट right? क्योंकि आप सेकेंड uh, हैंड जो मार्केट है स्टॉक मार्केट है वहाँ पर ऑर्डर क्या कर सकते हैं प्लेस भी कर सकते हो जो एक्जिस्टिंग आपके पास सिक्योरिटी है उनको इनकैश भी करा सकते हो किसी और कंपनी के शेयर भी आप परचेस कर सकते हो तो वो आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो लास्ट जो स्टेप है वो सेटलमेंट का होता है मतलब अगर आपको सेल करना है परचेस करना है या इन कैश कराना है राइट तो आ, दो तरीके हैं ऑन द स्पॉट सेटलमेंट है मान के चलिए अगर आपको सोल्ड करना है तो इन कैश अगर आपको कराना है तो विद इन नेक्स्ट डे मान के चलिए आज मंडे है तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को ही आपको ऑन द स्पॉट सेटलमेंट आपका हो जाएगा अगर आप किसी भी वजह से किसी भी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं किसी और पर्सन को या उसको इनकैश कराना चाहते हैं तो आपको अगले ही दिन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स आपको वो फैसिलिटी मिल जाती है जहां पर आप इनकैश करा सकते हैं दूसरा जो तरीका है फॉरवर्ड सेटलमेंट का होता है वो थोड़े टाइम बाद आपको आ, इन कराने का यहां पर मौका मिलता है तो तुरंत अगर अर्जेंसी है तो आप ऑन द स्पॉट सेटलमेंट को चुन सकते हैं अगर आप फ्यूचर में थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं तो आप फॉरवर्ड सेटलमेंट की मदद लेते हैं अपने सिक्योरिटीज वगैरह को इन कराने के लिए राइट तो ये सिंपल से पांच स्टेप हैं पहले में आप ब्रोकर सेलेक्ट करते हैं फिर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हैं ऑर्डर को प्लेस करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर को सेल परचेज जो भी आपको करना है प्लस आप इन कराने के लिए ऑन द स्पॉट या फिर फॉरवर्ड सेटलमेंट ऑप्शन की आप मदद लेते राइट तो ये था आज का वीडियो उम्मीद कर रहा हूं सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके कैपिटल मार्केट से जुड़े प्लस अपने अकाउंट या फिर स्टॉक ट्रेडिंग से जुड़े आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच